ही जो राम रचि राखा को कर तर्क बढ़ा वहु साखा। राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी। मासिक शिवरात्रि जिसको बोलते हैं, जो हर माह की शिवरात्रि करते हैं, तो उनके लिए चलिए आज मैं बता देती हूँ पूजा की विधि। तो मैं ऐसे कई वीडियोज में बता चुकी हूँ, लेकिन उन लड़कियों के लिए मैं बता दे रही हूँ जो लड़कियाँ अपना गठबंधन नहीं कर पाई। और शादी से संबंधित मैं कई महत्वपूर्ण उपाय बताई थी महाशिवरात्रि में, लेकिन लड़कियों को करने लायक नहीं था या किसी और कारणवश अगर आपका छूट गया है, तो इस वीडियो में मैं उन उपायों को, जो उपाय आपसे छूट गए हैं, आप लोग नहीं कर पाए हैं, तो इस शिवरात्रि के दिन आप जरूर कर लीजिएगा। तो वो सभी लड़कियां जाकर अपना पूजा कर लेंगी, शिव जी से अपने मन की बात कह के आएंगी, गठबंधन कर लीजिएगा, फूल लेते आइएगा। जो उपाय थे मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देती हूँ, उन माँ बहनों के लिए भी बता देती हूँ जो नहीं कर पाई, वो जाकर शिव जी से एक साड़ी कम से कम चढ़ा लीजिएगा, बिंदी सिंदूर चढ़ा लीजिएगा और चढ़ाकर रख लीजिएगा। लड़कियां भी रख लेंगी और फूल लाकर धरोहर जो मैं आपको बताई थी कि आशीर्वाद जैसा जरूर रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप शिव जी की पूजा अर्चना करके आइएगा और उन्हें आमंत्रित करना है कि जल्दी से जल्द हमारे घर में आप आइए, आपका आगमन हो और हमारे घर में जल्द से जल्द शुभ कार्य आरंभ हो। तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा और फूल को लाकर किसी बक्से वगैरह में डाल दीजिएगा धरोहर के तौर पे। और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो आप उसको पूछते हैं आप लोग कि हम क्या करेंगे, तो आप उसको रखे ही रहिएगा, वो मुरझा आ जाएगा, सूख जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अच्छी जगह सेफ्टी से रख दीजिएगा, कहीं किसी का पैर वगैरह ना पड़े। तो इस तरीके से करके आइए और भगवान को फिर से जिस तरह से हम शिवरात्रि में पूजा अर्चना करते हैं, बेलपत्र वगैरह ले लीजिएगा और बेलपत्र कम से कम 11 ले लीजिएगा, चंदन रोली पुष्प सब लेकर जाइएगा, अक्षत जरूर लेकर जाइएगा और शिव जी की पूजा अर्चना करिए, उनसे जिद करिए, मन ही मन उनसे सभी अपनी बातें कह कर आइए। तो इस प्रकार से आप पूजा अर्चना जरूर करिएगा शिवरात्रि को। देखिए, किसी किसी का कार्य जो है जल्दी हो जाता है, शीघ्रता से हो जाता है, किसी किसी के कार्य में देरी भी होती है, तो आप अपने धैर्यता को खोइए मत, धैर्य से रहिए। देर आए दुरुस्त है, भगवान का कार्य जो होता है बिना हरि कृपा एक त्रिंग भी नहीं डोलता है। तो बाकी तो भगवान की मर्जी है कि होई है वही जो राम रचि राखा, जो भगवान रच के रखे होंगे, आपके लिए लिख के रखे होंगे, जो जोड़ी बना के रखे होंगे, वही आपको मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। तो आशा करती हूँ कि हमारी बहनों को सभी बातें समझ में आ गई होंगी। गठबंधन माँ को और बहन को नहीं करनी है, केवल लड़कियों को करनी है, तो आप गठबंधन भी जरूर कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है, मैं गठबंधन करके भी दिखाई हूँ कि कैसे करनी है, तो आप चेकआउट करिएगा और उसी प्रकार से करके आइएगा। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो, आशा करती हूँ कि इससे आपको लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।